देखो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाएंगे, मिनी पाउच बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये हमने पीस ली है। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 13 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 16 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये देखो यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से भी लगाए या फिर यहाँ से, ये देखो यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और उसके बाद 4 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, उसके बाद 2.5 इंच पे भी निशान लगा देंगे। इस तरह से इसे मिला देंगे। यहाँ से भी हम 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे इसे इस तरह से यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इसे सारे डॉट्स को इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए ये हमने मिला दिए। ये हम 2.5 इंच पे जो निशान लगाए थे ये हैं और यहाँ पे जो 1 इंच पे निशान लगाए थे ये दोनों डॉट्स को भी इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। देखो ये हमारा कटिंग हो गया है। अब एक हम लाइनिंग वाला पीस लेंगे और ये राइस बैग का ये देखो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा बनता है। तो इसे सबसे पहले हम इस तरह से इसे रखेंगे। ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है, ये देख लें एक बार चेक कर लें। ये सीधे वाले हिस्से को हम इस तरह से रखेंगे। उसके बाद ये लाइनिंग वाला पीस है, हम इस तरह से रखेंगे। ये देखो ये सीधा और ये सीधा दोनों होना चाहिए। उसके बाद हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको रखेंगे इस तरह से। अगर आपके पास रबर शीट है या फॉर्म शीट है या राइस बैग तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे इस तरह से बैग करेंगे। ये हमारा बैग हो गया। अब इसे हमें पूरी डिज़ाइन समझ में आ रही है। अब हम इसकी स्टिचिंग कुछ इस तरह से करेंगे, जिस तरह से ये शेप है पूरा इसी तरह से करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से पूरा ये कंप्लीट होने के बाद इतनी सी गैप हम छोड़ देंगे ताकि हम इसे सीधा कर सकें। ये इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब बचे हुए पीसेज जो एक्स्ट्रा हैं उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है और यहाँ से जो हमने स्टिचिंग नहीं किए थे इसको अब सीधा करेंगे हम। ये देखो ये हमने सीधा कर लिए हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है इसे इस तरह से अंदर करने के साथ जब हम स्टिचिंग करेंगे तो पूरा ये इस तरह से पूरी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने इस तरह से पूरी स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे। देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से हम सीधा करेंगे। ये देखो ये हमारा सीधे हो गया इस तरह से। इसे बराबर से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड वाले निशान पे इस तरह से ये अंदर की साइड एक इस तरह से हम निशान लगा देंगे हल्का सा। यहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक स्टिचिंग करेंगे, एक स्टिचिंग यहाँ पे करेंगे। फिर ये इस तरह से कुछ हमारा इस तरह से बनकर रेडी होगा। ये देखें देखो इस तरह से हमारी स्टिचिंग हो गई है। ये देखो इस तरह से ये 4 पॉकेट हमारा मिला है। अब हम ये देखो इस तरह से मैंने वेलक्रो का इस्तेमाल किया हूँ। एक हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे और दूसरा हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने वेलक्रो लगा ली हूँ और इस तरह से ये देखिए ये काफ़ी खूबसूरत सा बैग बना है। ये देखो इस तरह से, इस तरह से देखो ये हमारा 4 पॉकेट है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, ये बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया।